डॉक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग पीपीटी के माध्यम से लाइनर्स की फाइल पार्टीशन को समझते हैं। ठीक है, देखिए लाइनर जिसकी आपको पता है मल्टी यूज टॉसिंग सिस्टम है, मल्टी यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है, पार्टीशन कैन बी सेट द फाइल एंड डायरेक्टरी। कल मैंने आपको पार्टीशन सेट किया था, मीन्स ग्रुप और ऑनर चेंज करने बताया, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको फाइल की परमिशन सेट करना बताऊंगा कि जो कैसे ग्रुप और ऑनर की जो फाइल परमिशन है उसको कैसे हम लोग सेट करते हैं। लाइनर्स अंडरस्टैंड यूजर एंड ग्रुप, समझ आया? अ यूजर कैन बिलोंग सेवरल ग्रुप्स, क्लियर? अ फाइल कैन बिलोंग टू ओनली वन यूजर एंड वन ग्रुप एट द टाइम। अ पर्टिकुलर यूजर द सुपर यूजर रूट has extra privilege UID 0, okay? Only root can be changed the ownership of a file. जैसे कि उन्हें कल आपको बताया था, root के माध्यम से ही हम ownership, CHOWN command use किया था, file का ownership change कर सकते हैं, ठीक है? उसका group की setting change कर सकते हैं, okay? अब हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट कमांड है आपको CHMOD, चेंज मोड। ये क्या करता है? टू चेंज द परमिशन ऑफ अ फाइल और अ डायरेक्टरी, ओके? टाइप ऑफ यूजर्स क्या क्या है? जैसे टाइप ऑफ यूजर्स में कौन कौन से हैं, कैटेगरी ऑफ यूजर्स, ऑनर, ग्रुप और अदर। ऑनर, ऑनर ऑफ द फाइल ऑफ डायरेक्टरी, ऑनर क्या होता है? ऑनर इज द फाइल ऑफ डायरेक्टरी। ग्रुप, ग्रुप ऑफ द रिलेटेड यूजर, ठीक है? अदर यूजर ये है। अब तीन प्रकार की परमिशन आपकी फाइल में होती है, कौन कौन सी बताई थी? रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड द फाइल और लिस्ट फाइल इन द डायरेक्टरी, राइट द एड न्यू कंटेंट ऑफ द फाइल एंड न्यू फाइल ऑफ डायरेक्टरी। देखिए अब समझते हैं, रीड परमिशन के अंतर्गत यूजर किसी फाइल के कंटेंट को देख सकता है, क्या कर सकता है? देख सकता है। डायरेक्टरी के लिए रीड परमिशन के अंतर्गत यूजर डायरेक्टरी के कंटेंट को देख सकता है। डायरेक्टरी की डिटेल देखने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? एग्जीक्यूट की परमिशन होनी चाहिए, ठीक है? तीसरा आपका क्या है? देखिए बताता हूँ उसको, तीसरे आपका परमिशन क्या है? राइट परमिशन। किसी फाइल की राइट परमिशन के अंतर्गत यूजर फाइल की कंटेंट को चेंज कर सकता है। डायरेक्टरी की राइट परमिशन के अंतर्गत यूजर डायरेक्टरी के कंटेंट को चेंज कर सकता है। मैं डायरेक्टरी और फाइल दोनों को बता रहा हूँ, अर्थात यूजर उस डायरेक्टरी के फाइल को में फाइल्स को ऐड कर सकता है या एग्जिस्टिंग फाइल को क्या कर सकता है? डिलीट कर सकता है, जब उसके पास यूजर के पास कौन सी परमिशन होगी? राइट परमिशन होगी। तीसरी परमिशन है आपकी एग्जीक्यूट। यह परमिशन यूजर द्वारा किसी फाइल नेम को सिस्टम कमांड के रूप में उपयोग करने के लिए अनुमति प्रदान करती है। किसी डायरेक्टरी की स्थिति में इस परमिशन के अंतर्गत यूजर को डायरेक्टरी पर सर्च परमिशन प्राप्त होती है, मीन्स यूजर डायरेक्टरी को कॉपी कर सकता है। प्रत्येक यूजर ग्रुप क्रमशः तीन प्रकार की परमिशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए ये परमिशन है, ये पहला आपका यूजर के लिए है, दूसरा आपका ग्रुप के लिए, तीसरा आपका अदर के लिए। आर क्या है? रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन ऑफ अदर यूजर, ओके? ये आपको रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन ऑफ मेंबर ऑफ ग्रुप, ये आपको तो तीन परमिशन है, ये जो है तीन परमिशन आपको क्या है? अदर के लिए, ग्रुप के लिए। ये आपकी तीनों परमिशन ग्रुप के, ऑनर के लिए रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन ग्रुप के लिए। ये आपको शो करता है कि आपकी फाइल डायरेक्टरी है या फाइल, मतलब होता है ना, इसमें समझते हैं हम लोग। ऐसे हम लोग जब फाइल का नाम देते हैं, कहाँ से आता है
ये आपका क्या हो गया, फाइल नेम हो गया, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन डेट एंड टाइम ये आपको ये शो होता है, ये आपको फाइल की साइज को बताता है, ये जो रूट आपका ये आपको क्या बताता है, ग्रुप बताता है, जैसे मैंने एम्पल आपको बताया था, ये आपको ऑनर बताता है, ये आप क्या बताता है, लिंक काउंट करता है, तो ये आपकी फाइल परमिशन है। द नेम ऑफ ग्रुप दैट द परमिशन इट इज द फाइल ऑनर, ऑनर द नेम ऑफ द यूजर हु वाज हु ऑनर द फाइल। फाइल परमिशन द फर्स्ट करेक्टर इज टाइप ऑफ ए इंडिकेट द ऑर्डरी फाइल, ए डी इंडिकेट द डायरेक्टरी, सेकंड सेट ऑफ थ्री करेक्टर रिफ्लेक्ट द रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन, ओके ऑनर के लिए, नेक्स्ट इज प्रेजेंटेड द ग्रुप के लिए, और तीसरी नेक्स्ट आपकी क्या है, अदर के लिए आपको ये परमिशन को शो करता है। ये आपके ऑनर के लिए, ये आपके ग्रुप के लिए, या आपके ऑनर के लिए एक परमिशन, या आपके ग्रुप के लिए, आपके अदर के लिए, ओके। ठीक है, रीड राइट और एग्जीक्यूट इनकी कुछ वैल्यू होती है, मीन्स देखिए हमको समझते हैं, डायरेक्टिव फाइल मोड को चेंज करने के लिए उपयोग होती है, फाइल मोड को फाइल के रीड एग्जीक्यूट परमिशन होती है, ये आपके दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं, पहला सिंबॉलिक मोड, दूसरा आपका एब्सोल्यूट मोड। सिंबॉलिक मोड क्या है, ये जो आपको जो शो रहा है आर डब्ल्यू एक्स, ये आपका क्या है, सिंबॉलिक मोड है, ओके। और ये जो आपको नंबर शो हो रहे हैं ये आपकी क्या है, एब्सोल्यूट मोड, ओके। मैं आपको तीनों दोनों मोड में आपको फाइल को चेंज करके बताऊंगा कैसे करते हैं। अब हम लोग समझते हैं, रीड के लिए हम लोग ने डिसाइड किया फोर, और राइट के लिए क्या डिसाइड किया है, टू, एग्जीक्यूट के लिए वन डिसाइड होता है, जो ऑप्शनल नंबर होता है। देखिए इसमें किसी कोई परमिशन नहीं तो जीरो है, इसमें एग्जीक्यूट परमिशन है वन है, इसमें राइट परमिशन है तो इसको हमने राइट परमिशन क्या चेक किया, टू, राइट ओनली परमिशन, इसमें थ्री है, मीन्स टू प्लस वन थ्री हुआ, मीन्स राइट और एग्जीक्यूट तीनों दोनों की परमिशन, राइट और एग्जीक्यूट की दोनों परमिशन, और इसमें रीड मीन्स फोर, मीन्स सिर्फ आपको रीड ओनली परमिशन, फोर प्लस वन फाइव मीन्स रीड और एग्जीक्यूट परमिशन है, वन वन रीड और राइट की परमिशन है, सिक्स हुआ, यदि तीनों परमिशन होगी टोटल कितना होगा, सेवन होगा, फोर प्लस टू प्लस वन, रीड राइट और एग्जीक्यूट, ओके। यू के लिए यूजर के लिए होता है, जी ग्रुप के लिए, ओ आपको अदर के लिए डिफरेंट किया गया है, ए ऑल के लिए, मीन यू जी ओ ऑपरेटर प्लस एड प्रिविलेज के लिए, माइनस रिमूव प्रिविलेज के लिए, जीरो सेट प्रिविलेज के लिए बताया गया है। प्रिविलेज कौन कौन से, रीड राइट एग्जीक्यूट यूजर करंट प्रिविलेज ग्रुप करंट प्रिविलेज अदर प्रिविलेज एल लॉकिंग प्रिविलेज बिट एस सेट यूजर ग्रुप आईडी मोड बिट टी स्टिकी बिट, ओके। वैल्यू ऑफ सिंबॉलिक मोड, आपको सिंबॉलिक मोड बताए, इससे पहले क्या था, एब्सोल्यूट मोड था, दो मोड में आपको बताया। देखिए सिंगल यूजर है, एग्जाम्पल हमको कैसे सी कमांड क्या देते हैं, सी एच एम ओ डी स्पेस यू प्लस आर, मीन्स यूजर को, या यह यू यू किसके लिए, यूजर के लिए है, यूजर को हम कौन सी परमिशन सेट कर रहे हैं, रीड की परमिशन सेट कर रहे हैं। द अदर कमांड कंटेन परमिशन या सिंगल यूजर रीड का फाइल, यूजर को हम लोग कौन सी परमिशन सेट कर रहे हैं, रीड की परमिशन सेट कर रहे हैं, या आपका कौन सा सिम्बॉलिक मोड में आपको ये एग्जाम्पल है। मल्टी यूजर के लिए हम लोग क्या कमांड देंगे, सी एच एम ओ डी स्पेस यू यूजर के लिए प्लस आर डब्ल्यू मीन्स रीड और राइट परमिशन, जी इक्वल टू ग्रुप के लिए एग्जीक्यूट परमिशन, अदर के लिए राइट परमिशन हमने सेट किया है, ये मल्टी यूजर को सेट किया है। अब ये तो हमने बता दिया सिंबॉलिक मोड, एब्सोल्यूट मोड में क्या होगा, ऑक्टेव नोटेशन में सी एच एम ओ डी सेवन सिक्स वन फाइल परमिशन, मतलब
हमने इसको यूजर को तीनों परमिशन दिया, ग्रुप को 6 परमिशन दिया, अदर को सिर्फ रीड परमिशन दिया। इसको रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है, इसको रीड और राइट की परमिशन है ग्रुप को, और एग्जीक्यूट को सिर्फ अदर को एग्जीक्यूट की परमिशन। देखिए यूजर को रीड राइट है, ग्रुप को आर डब्ल्यू, अदर को ओके। जैसे मैंने अभी आपको बताया आर आर, ये आप परमिशन है, जी प्लस एक्स किया प्लस फाइव, ये ग्रुप को परमिशन सेट किया हमने, यू प्लस डब्ल्यू एस किया यूजर को राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन सेट किया, यू जी यूजर ग्रुप को कौन सी परमिशन सेट किया, एग्जीक्यूट परमिशन हटा दिया, इन सबके एग्जीक्यूट परमिशन हट गया। ठीक है, तो सुनिए अभी आपको पता है एब्सोल्यूट मोड, रीड की वैल्यू कितनी हुई 4, राइट की वैल्यू क्या हुई 2, एग्जीक्यूट की वैल्यू कितनी हुई 1, नेम की कितनी हुई 0। ओके, ये हम लोग परमिशन इसको सेट करें। कमांड सी एच एम ओ डी 700 मीन यूजर को तीनों परमिशन है और ग्रुप और एग्जीक्यूट को कोई भी परमिशन नहीं है। ओके, ये डायरेक्टरी पे हम लोग भी सब लोग को चेक कर दिया। आना ये देखिए यूजर आर डब्ल्यू एस ओसन, ठीक है, ग्रुप और अदर को सैंपल रिमोल एक्सेस यूनिटी अदर फॉर्म का सैंपल। आप प्रोग्राम में विराम का यूजर मैन का प्रोग्राम स्टार्ट प्रोसेस करना है, इट इज द कंटेंट को मैंने आपको बता दिया। हम लोग कैसे देखेंगे, एल एस हाइफन एल करेंगे तो आपको इस प्रकार से शो होगा। ओके, टू चेंज द ऑनर यूजर ऑफ द फाइल डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर कमांड, ओनली द रूट यूजर कैन बी चेंज ऑन द फाइल डायरेक्टरी। ठीक है, समझाया, हम सी एच ओ डब्ल्यू एन कमांड को तभी चला सकते हैं जब हम उसके क्या होंगे रूट में जाएंगे। जैसे हमने सी एच ओ डब्ल्यू एन कल चलाया, सी एच जी आर पी कमांड चलाया, कहाँ से चलाया, सुपर यूजर में जाकर, मतलब रूट पेज के जाकर। ठीक है, ओके, इस प्रकार से हम लोग ये कमांड को चलाते हैं। हम लोगों ने देखा कि लाइनक्स में हम लोग ये परमिशन तभी चेंज कर सकते हैं जब हम उसके सुपर यूजर पे जाएंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा रन करते हैं। हमने यहाँ से लाइनक्स ओपन कर लिया, दिखाता हूं मैं आपको। मैं आपको मैंने डेमो दिया, अब आप इसको मैं डेमो आपको रन करके दिखाता हूं। ओपन हो जाने दीजिए इसको, टर्मिनल ओपन कर लेंगे। ये आपकी परमिशन शो हो रही है जो मैंने आपको बताया। अब हमको इनको तीनों परमिशन सेट करना है। हमने क्या किया,
चोरन नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने इसको रूट में नहीं गए हैं। मैंने आपको जानबूझ के कमांड यहाँ पे टाइप किया है, इसको हमने क्या करना पड़ेगा, सुडो कमांड करना पड़ेगा, जैसे कल बताया था हमने आपको, पासवर्ड देना पड़ेगा। रूट में आ गए, अब हमने यहाँ पे एल एस हाइफन एल किया, ये देखिए अब यहाँ पे हमने टाइप किया सी एच एम ओ डी। अभी मैं आपको एब्सोल्यूट मोड से चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें फाइल वन में ऑनर को दो परमिशन है, रीड और राइट, एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। ग्रुप को रीड की परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। अदर को सिर्फ रीड की परमिशन है और दोनों परमिशन नहीं है। अब मैं एफ वन फाइल को तीनों परमिशन चेक करके दिखाता हूँ। देखिए एल एस आइकन एल ये देखिए लिख गया, ये देखिए इसमें डिफरेंस समझ में आया, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। फिर से हमको परमिशन चेंज करना है, रीड को सिर्फ हमने कमांड दिया, तीनों परमिशन चेक करना है और ग्रुप को सिर्फ रीड राइट की परमिशन चेक करना है और अदर को कोई परमिशन चेक नहीं करना। तो क्या करें, जीरो लिख देंगे फाइल का नाम और एंटर, तीनों परमिशन हट गए। इसको एसटीपी परमिशन, इसको सातों परमिशन है, सेवन लिखा था हमने, अप्रैल नंबर, तीनों परमिशन। इन सबकी यदि हमको सबकी परमिशन हटानी है तो हम लोग क्या करेंगे, सी एच जीरो जीरो जीरो, पूरी परमिशन लिखी है, क्लियर है, पूरी परमिशन लेके आना है। क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग परमिशन को क्या करते हैं, चेक करते हैं। ये तो मैंने आपको क्या बताया, एब्सोल्यूट मोड में, सिंबॉलिक मोड में कैसे करेंगे, क्लियर कर देते हैं। फाइल की परमिशन देखते हैं, रीड राइट वही परमिशन है, इसको हम चेंज करते हैं, कमांड देंगे सी एच एम ओ डी स्पेस यू जी ओ स्पेस प्लस आर डब्ल्यू एक्स फाइल, फाइल का नाम दिया, परमिशन सेट हो गई, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग वर्क करते हैं, परमिशन आप लोग चेक करके देखिएगा, जानना चाहूंगा पूछ लीजिएगा। फाइल परमिशन और ऑनर से और ग्रुप, ये तीन चीजें हैं, इसको हम सिर्फ किसमें चेंज करते हैं, उसके रूप में जाकर ही हम इसको एडमिनिस्ट्रेटर ही इसको चेंज कर सकता है, अदरवाइज इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तीन परमिशन हुई, रीड राइट और एग्जीक्यूट। मंडे को फिर मैं इसको रिविजन करा दूंगा, ओके हम करते हैं। ठीक है, इसको आपको जरूर ध्यान से देखिएगा।